हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको, ये हमारे पास एक कमेंट आया है, इन्होंने लिखा है अगर मूंग दाल 60 रुपये केजी है तो 3.5 केजी दाल कितने रुपए की होगी। पंचम सिंह नाम है इनका। पंचम जी, हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पर, आप ध्यान से देखें। वैसे तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें जाएँ, और मोस्ट पॉपुलर वीडियो मेरा इसी के ऊपर बनाया है पूरा, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। उस वीडियो का नाम है किलोग्राम से हिसाब कैसे लगाया जाता है दुकान में, ठीक है, आप निकाल सकते हैं, उसमें देख लेना। और फिर भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, आपने कमेंट किया है तो आप ध्यान से देखें। दो ट्रिक दूंगा इसमें, ठीक है, छोटी छोटी, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपने बोला 60 रुपये किलो दाल है, ठीक है, तो यहाँ पर 60 लगाओ पहले, फिर भाग लगाओ, उसके बाद में आप भाग का चिन्ह लगाने के बाद में 1 किलो में 1000 ग्राम रहता है, ठीक है, तो आपको 3.5 किलो का कितना होगा, ठीक है, वही तो निकालना है। तो यहाँ पे 1 किलो में 1000, तो यहाँ 1 किलो का 1000 लिख दो, ठीक है, क्योंकि 60 रुपये किलो है तो 60 लिख दिए, हम भाग का चिन्ह लगाए तो 1000 लिख दिए, ठीक है, क्योंकि ये किलो लग गया। उसके बाद में गुणा का चिन्ह लगाना है आपको, और जितने ग्राम लेनी है वो आप लगा सकते हैं। जैसे मान लो ये तुमने बोला था 3.5 किलो, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना सीधा सीधा 3 किलो, और ये 500 ग्राम, पीछे 500 ग्राम लिख देना है, 3 लगाना है पहले फिर 500 ग्राम लिख देना है, 210 रुपये बन गया, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या फिर एकदम सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो। ये निकालना है तो जैसे यहाँ बराबर करो, गुणा वो 60 दाल का रेट, जो रेट है वो सामान का रेट है, कुछ भी रहने दो, दाल या कुछ भी, पहले ये लगाएं, फिर पहले रेट लगा लें, उसके बाद गुणा का लगाने के बाद जितना चाहिए आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो तुमने 3.5 किलो बोला है, ठीक है, तो 3 किलो का 180 रुपये बन गया, ठीक है। अब 3.5 किलो तो बोलो 500 ग्राम आता है, ठीक है, आधा केजी में 500 ग्राम होता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉइंट का निशान लगा लोगे खाली, कितना पॉइंट का, उसके बाद में 500 लिख दो पीछे, ठीक है, 3.5 किलो 500 ग्राम 210 रुपये बनता है, ठीक है। कोई भी सामान रहे आप ऐसे निकाल सकते हैं चुटकियों में, ठीक है। इसके बाद में जैसे मान लो तो ये पॉइंट लगाए, इसके बाद में 3 जो अंक आएंगे वो आपको पूरे लगाने पड़ेंगे, इसीलिए 1 ग्राम या 2 ग्राम लगाना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो ऐसे 0 और फिर 1 0, उसके बाद में जैसे मान लो 5 ग्राम है, ठीक है, तो 5 ग्राम के बाद आप ये देखो 00 ये 3 अंक जरूर आने चाहिए लास्ट में, तो इसमें ग्राम आ जाते हैं ये पॉइंट के बाद में। देखो एक मिनट, ये यहाँ से देखो ये पॉइंट है ना, यहाँ से 3 अंक लिखने हैं आपको, तभी ग्राम लगेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये देखो 5 ग्राम का ये 3 पैसे बढ़ गया इधर नीचे, देख लो आप, ठीक है, ये इस जगह पर देखो ये 3 पैसे बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आप हिसाब लगा सकते हैं, मान लो 50 ग्राम है तो 50 ग्राम बोले तो 1 0 आएगा यहाँ, फिर 50 लिख देना तो 50 ग्राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना 183 रुपये का दाल बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो, अब तो समझ में आ गया होगा, मान लो जैसे ये दाल है तुम्हारा 60 रुपये किलो, कोई भी सामान है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपको लेना है मान लो 4 किलो और 100 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगा लेना, पॉइंट के बाद में ग्राम लगा सकते हैं, तो रेट एकदम बराबर निकल आएगा, ठीक है। ये देखो 100 ग्राम हम लिख दिए, क्योंकि पीछे भी 3 अंक हो गए, 100 लिखा है तो 3 अंक हो गए ना इसी में भी, और पॉइंट के बाद में किलो आएगा, और इधर ग्राम लिखेंगे, जितना ग्राम रहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो 246 रुपये का आपका दाल बन गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम दूसरा कोई वीडियो डालें तो आप तक पहुँच जाए। और आपके मन में कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड।